दोस्तों ये है स्क्रू कंप्रेसर ऑयल कूलर, ऑयल रेडिए कूलर कूलेंट रेडिएटर भी कह सकते हैं। ऑयल को ठंडा करने के लिए यूज होता है और ज़्यादातर ये कंप्रेसर में यूज होता है। और कोई भी कंप्रेसर हो उसमें अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप ये एक बार ये ट्रिक ज़रूर यूज करें, आपको फ़ायदा होगा। तो नॉर्मली इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि ये जब भी चलता है तो हाई टेम्परेचर होके अलार्म आके बंद हो जाता है। तो मैं आपको इसी के बारे में रोचक जानकारी देता चलूँ जिससे कि आपको ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप देख सकते हैं नॉर्मली टेम्परेचर जो इसका है 90 डिग्री के आसपास है। ये हमने बंद करके चालू करा तब इसका ये टेम्परेचर हुआ, वरना 100 से अबव जा रहा है जिससे कि कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है। देख सकते हैं 90 डिग्री टेम्परेचर इसका पहुंच गया, मतलब ओवर हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, बार बार अलार्म आ रहा है। और हमने सब कुछ कर लिया, सेपरेटर वेपरेटर ऑयल सेपरेटर वगैरह सब चेंज करके सर्विस करके देख लिया, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर हमने लास्ट में जाके इसका ये ऑयल कूलेंट जो है इसको हम ओपन करके इसको हम क्लीन करेंगे पूरा ओपन करके, जैसे कि इसकी ये पाइपें वाइपे सब खोल के। ये ऑयल को ठंडा करने का काम करता है और इसके ऊपर जब बहुत सारी डस्ट जम जाती हैं तो इसका फ़ैन इसको सही तरह से कूलिंग नहीं कर पाता है और ऑयल कूलेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये दिक्कत आती है। तो इसका ये ऑयल सेपरेटर वगैरह जो भी है सारे हम खोलेंगे। आप देख सकते हैं कितनी सारी डस्ट जम गई हैं और इसी डस्ट के कारण ये एल्यूमिनियम का एक तरह से ऑयल रेडिएटर कह सकते हैं, रेडिएटर ठंडा नहीं हो पाता है। तो इसको हमको क्या करना है, कम प्रेशर के साथ अच्छे से वॉश कर देना है। इससे पहले इसकी जो पाइपें होती हैं जिसमें इसके पाइपों में ऑयल भरा होता है उनको अच्छे से पैक कर देना है ताकि अंदर पानी ना जाए, उसका पूरा ध्यान रखें आप। और अच्छे से इसको क्लीन करें, पानी से वॉश करें, प्रेशर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बीच में बहुत पतली हल्की पत्तियाँ होती हैं वो ब्रेक हो जाए या टूट जाए बेंड हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हल्का सा प्रेशर मारकर ये सारी मिट्टी आपको निकालनी है। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो कंप्रेसर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे चलेगा। आपको अच्छे से इसको वॉश करना है, एकदम बढ़िया क्लीन करना है इसको पानी में भिगो भिगो के। प्रेशर एकदम कम रहना चाहिए, बहुत कम प्रेशर, ज़्यादा हाई प्रेशर से वॉश ना करें, अदरवाइज इसको ये डैमेज हो सकता है। और इसकी पाइपें जितनी भी है उनको अच्छे से पॉलीथीन से पैक करके फिर इसको वॉश करें, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पूरा ऑयल चलता है, कंप्रेसर का ऑयल, और ये ऑयल को ठंडा करता है जिससे कि कंप्रेसर हाई टेम्परेचर ना हो। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम क्लीन हो चुका है, एकदम वॉश हो चुका है, सारी मिट्टी हमने इसकी लगभग निकाल दी है। तो अब इसको वापस इंस्टॉल करेंगे, इसको जैसा था वैसे ही लगा देंगे वापस इसको। और लगाने के बाद आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन करने के बाद हम इसका टेम्परेचर एक बार फिर हमने इसको तीन चार घंटे चलाने के बाद इसका जो टेम्परेचर देखा मैक्सिमम 85 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर गया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है अभी। बाकी पहले जब हम फैन भी लगाते थे तो ये ट्रिप हो जाता था, ओवरलोड हो जाता था ओवर टेम्परेचर के कारण, अलार्म आके बंद पड़ जाता था। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आपको, पसंद आने पे लाइक।